बस्ती में हमारे जनाब मोहतरमा ताहिरा शेख रतीब साहिबा जिनके खुसूसी फंड से और अली जनाब शाहिद रेशम वाला साहब जिनकी जद्दोजहद से इस गेट का आज संग बुनियाद हुआ। मैं अली जनाब शाहिद रेशम वाला साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहां तशरीफ लाएं, अपने ख्याल का इजहार करें। आप जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। अली जनाब शाहिद रेशम वाला साहब आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर, माजी महापौर और माजी एक्स MLA जनाब शेख रशीद साहब, मंच पर बैठे हुए तमाम कारपोरेटर, बुजुर्ग दोस्तों, उलमाए किराम, सामने बैठे हुए तमाम हजरात, आज जो बाप मुसन्ना मियां गेट का इफ्तिताह रखा गया है, ये मेरी अकेले की ख्वाहिश नहीं, ना मेरे अकेले का सपना था। रमजानपुरा वार्ड जो आज 40 सालों से बसने वाले गरीब आवाम, इनका सपना था कि आयशा नगर कब्रिस्तान के अंदर जाने के लिए जो हमें बदबू का सामना करना पड़ता था, इससे हमें कैसे राहत मिले। आयशा नगर कोने से लेकर साबान नगर के उस कोने तक अगर बीच से कोई मैयत आया करती थी तो हमें इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पर हम लोगों ने सही फैसला करके मुफ्ती साहब को 10 मरतबा तलाक देकर हम लोगों ने जो शेख रशीद साहब के साथ सात गार्ड की वार्ड के अंदर हमने अच्छा काम किया। लेकिन 6 महीना पहले मैंने शेख रशीद साहब के कान में हल्का सा बोला कि साहब हम लोगों को जो तकलीफ है रमजानपुर वालों को, बहुत ज्यादा ही मैयतें हम लोगों ने अरे कंधे पे भी ले गई, ट्राली पर भी ले गई, लेकिन आज आपने जो रोड गटर जितना भी फंड दिया हम लोग आपके साथ चुनकर नहीं आए, लेकिन आपने जो रमजान पूरे वालों का ख्याल करते हुए आवाम को अपना समझते हुए जो काम काज दिया, आज हम लोग अपने कांधे पर मैयतें ले जा सकते हैं। दोनों बोल रहा ना, साहब आ रहा ना वहां पूरा धीरे धीरे आता ना। जितना एरिया हम लोगों को आपने दिया, हर वार्ड के अंदर काबरा कंपाउंड हो, चाहे आगे का देवी का मल्ला हो, वहां से लेकर रमजान पूरा दयाना हो, जितनी मुस्लिम आबादी है रजिया आबाद तक, अगर आप हम लोगों को एक गेट का पीछे का काम कर देते हैं तो बेहतर होगा। साहब ने उस वक्त मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन 6 महीने के बाद जब बजट की बुक बनने लगी, साहब ने फोन करके मुझको कहा कि मैंने वो गेट डाल दिया। मैंने उस वक्त अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा किया कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ हूँ जो कौम के बारे में सोचता है, जो गरीबों के बारे में सोचता है, जो ये सोचता है कि मैं तो उस वार्ड में रह रहा हूँ यहाँ के जो मेरे गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं, जो तकलीफ उठा रहे हैं, उनकी मौत मैयत कैसे जाती है। मैं बहुत बेहतर हूँ कि मैं इनका साथ चुना और आगे भी इनके साथ रहकर पूरे रमजान पूरे के लिए, पूरे दयाना के लिए, वो देवी का मल्ला हो, साबान नगर हो, दयाना हो, रजियाबाद हो, जहां पर जितनी जरूरत पड़ेगी मैं आवाम का काम लेके साहब के पास जाके पूरे काम को अंजाम करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि हम लोगों ने पूरी ही 35-40 सालों से जो तकलीफें उठा रहे हैं, ये तकलीफ का हिसाब सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद खानवादे को है। हम लोगों ने पिछले 5 साल पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को वार्ड का दौरा बारीक बारीक गली में कराया, उन्होंने हमसे वादा किया कि अगर ये वार्ड के लोग 4 सीट निकाल के देते हैं तो मैं पक्के एरिए का 4 लाख का फंड दूंगा कि वो एरिया में काम हो जाए। मगर उस शख्स ने एक लकड़ी का खड़ा भी नहीं फेंक के मारा, एक तिनका नहीं फेंक के मारा, तो हम लोगों ने उनका साथ छोड़कर तामीर पसंद शख्सियत के साथ आए, जिसके अंदर वार्ड में जितने काम हो रहे हैं, मेरा ऐसा ख्याल है कि 10 से 11 कोटी का काम इन्होंने सिर्फ रमजानपुरे में दिया है, जिसमें से 5 से 6 करोड़ का काम वार्ड नंबर 3 में है, जहां पर किसी तरीके की कोई सहूलत नहीं थी। आज
40 से 50% एरिया क्लियर हो गया है। आने वाले वक्त के अंदर हम लोग रमजानपुरे के वार्ड के जो लोग हैं उनको ये बात कहते हैं कि शेख रशीद साहब आज राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर है, मालेगांव शहर के अंदर यहाँ पे किसी पार्टी का कुछ नहीं चला है। शेख रशीद साहब ने लोगों से मोहब्बत की है, लोगों का ख्याल किया है, गरीबों के साथ रहे तो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसलिए शेख रशीद साहब जहाँ रहेंगे हम लोग आज कोशिश करेंगे कि शेख रशीद साहब के खानवादे के साथ रहे ताकि हमारे वार्ड के अंदर रोड गटर के साथ साथ तामीरी काम दीनी तरीके से जो हो रहा है वो भी होता रहे, बड़े बड़े गेट बने। सुन्नियत को जिंदा करना हमारा मकसद है। हमने इस नाम को इस वार्ड के अंदर सुन्नियत जिंदा के बात कहते हैं कि शेख रशीद साहब आज राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर है, मालेगांव शहर के अंदर यहाँ पे किसी पार्टी का कुछ नहीं चला है। शेख रशीद साहब ने लोगों से मोहब्बत की है, लोगों का ख्याल किया है, गरीबों के साथ रहे तो लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी कदर करते हैं, उनके साथ रहते हैं। इसलिए शेख रशीद साहब जहाँ रहेंगे हम लोग आज कोशिश करेंगे कि शेख रशीद साहब के खानवादे के साथ रहे ताकि हमारे वार्ड के अंदर रोड गटर के साथ साथ तामीरी काम दीनी तरीके से जो हो रहा है वो भी होता रहे, बड़े बड़े गेट बने। सुन्नियत को जिंदा करना हमारा मकसद है। हमने इस नाम को इस वार्ड के अंदर सुन्नियत जिंदा करने के लिए काम किया है कि भाई ये शहीद राह मदीना ये कोई छोटा काम नहीं है, ये वो सुन्नियत का मुकाम है जो दुनिया नहीं अपना हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो इस वार्ड के लोगों से मेरी दर्द बंदाना अपील भी है, साथ ही साथ आने वाले वक्त में शेख रशीद साहब खानवादे का साथ दे और इस वार्ड के अंदर इन्हीं लोगों के साथ रहकर हम लोगों को दीन की हर खिदमत और लोगों की हर खिदमत करने का मौका